नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पंचायत समिति सदस्य श्वेता जैन के लिए न्याय सभा का आयोजन गोलपहाड़ी में रखा गया। इस मौके पर कई पंचायत व जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। बता दें, पंचायत समिति सदस्य राजू बेसरा और बबीता करुआ ने कहा कि श्वेता जैन को जानबूझकर फंसाया गया है। श्वेता जैन एक अच्छी महिला हैं, समाज में बढ़ चढ़कर सामाजिक काम करती थी और हम लोग उचित जांच की उनके लिए मांग करते हैं। आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग श्वेता जैन का न्याय सभा हम लोग आज रखे हैं। इस न्याय सभा में उन्होंने जो समाज के प्रति जो कार्य की है उसको हम लोग उजागर करने के लिए हम लोग ये सभा रखे हैं। प्रेस के माध्यम से जन जन तक उनका आवाज़ पहुँचे, इसलिए ये सभा को रखा गया है। श्वेता जैन एक बहुत ही अच्छी महिला थी, उन्हें फंसाया गया है। वो कभी भी जो है कि इस तरह का काम नहीं कर सकती है। जो उन्हें जो उनके लाभुक समिति द्वारा जो उसको फंसाया है ये सारा सब गलत है, ये कभी उस तरह का काम नहीं कर सकती। आज 125वां सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जा रहा है। उनके जयंती उपलक्ष्य पर पंचायत समिति सदस्य श्वेता जैन जी का न्याय का सभा रखा गया है। आज हम लोग पत्रकार के द्वारा हमारे आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं कि हमारे साथी सदस्य श्वेता जैन को साजिश के तहत फंसाया गया है। और श्वेता जैन जी अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, चाहे किसी की दुख की घड़ी हो, शरारत हो तो पानी के टैंकर की व्यवस्था करते थे, किसी गरीब लड़की की शादी हो तो पानी की व्यवस्था करते थे, अगर कोई उनके घर असहायता महिला पहुंचती थी या भाई पहुंचते थे उनको सहायता देने का काम करते थे। मगर उनकी विरोधी नज़दीक चुनाव को देखते हुए उनके साथ साजिश के तहत उनको फंसाने का काम किया गया, जो बहुत बड़ा दुखद ये खबर है। आज हम जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं छल कपट का नज़ारा लगता है। और उन्हें जो जिसे लाभुक समिति बनाया गया था, योजना जो काली मंदिर के पास नाली निर्माण का कार्य चल रहा था उसी योजना तहत उनको कमीशन के मामला में अपने ही वसूली पैसे को जो फंडिंग दिए थे सहायता के तौर पर 25,000 रुपया वो पैसा मांगने गए थे, मगर वो पैसा वापस नहीं देने के कारण उन्हें साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया।